हाँ सर, आप ये देगलूर नाका पर जो कार्रवाई कर रहे हैं गुटखा वालों के खिलाफ, अभी तक यहाँ पर नाके पर कहीं पर कार्रवाई हुई है, कहीं मिला है क्या? हाँ हाँ, ये माननीय पुलिस अधीक्षक साहब पोकाटे साहब के आदेश के ऊपर जो तंबाकू जन्य पदार्थ और तंबाकू है, जो 2003 का एक्ट है कि कोई भी ऐसे चीज़ें जो बैन है और जिसके ऊपर इशारा नहीं है उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकता, बैन माल बेच नहीं सकता, जो रूल्स के हिसाब से उसके ऊपर एडवर्टाइज रहनी चाहिए वो नहीं है, ऐसे माल के ऊपर कार्रवाई करना चालू है। अभी देगलूर नाके के ऊपर 3 हमने कायदेशीर कार्रवाई की है, कोटपा एक्ट की कलम 5 और 7 के अन्वय, जिसके ऊपर वार्निंग नहीं थी और जो बैन माल है वो बेच रहे थे कुछ पान ठेले वाले, तो उनके ऊपर अभी 3 के ऊपर गुनाह दाखिल हो रहा है, उसमें उनका माल वगैरह जब्त किया है पूरा और आगे भी कार्रवाई चालू है। तो आज के लिए मुहिम रहेगी आगे भी? नहीं, ये मुहिम अभी कंटिन्यू है, क्योंकि ये तंबाकू जन्य पदार्थ और तंबाकू जो है, ये गांजा वगैरह सब चीज़ें जो है ये सामाजिक के लिए हितकारक नहीं है, और दूसरी बात बोले तो ये सब बैन है, इलीगल है, इसके लिए ये सब के ऊपर कार्रवाई अभी चालू है। अभी कुछ मिला है सर माल? हाँ, अभी माल मिला है, बहुत कुछ माल मिला है, माल का डिटेल बाद में देंगे हम जो है आपको, अभी तो 3 गुने अभी दाखिल कर रहे हैं हम और बाकी भी चालू है, और जो भी ऐसे माल रखेगा सप्लाई करेगा वो सबके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, जैसा कि देखा जा रहा है अभी छोटे पान ठेलों पर जो कार्रवाई हो रही थी, बड़े ठेलों पर, बड़े विक्रेताओं के ऊपर कार्रवाई की? बड़े के ऊपर भी कार्रवाई होगी, जो भी है चिल्लर माल विक्रेता है, ले जाने वाला है, उनको सप्लाई करने वाला है, जो भी इलीगल बेचता है वगैरह, वो सबके ऊपर कार्रवाई होगी। माफिया वालों से क्या? सभी जो तंबाकू अधिनियम है किया है उसके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई होगी, और एक एक करके अभी जो रास्ते में जो मिला है उनको पूछताछ करके सप्लाई कहाँ से हुआ है ये बोल के, और एक एक करके एक एक स्टेप से सबके ऊपर कार्रवाई उसमें होगी। के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई हुई है, तो उसी तरह ये बताइए कि नांदेड़ के किन किन इलाकों में अभी तक आप कार्रवाई करें और किन किन इलाकों में आप कार्रवाई करेंगे? 2-4 दिन से नांदेड़ में पहले भाग्यनगर, श्रीनगर, आनंद नगर, छत्रपति चौक, मालेगांव रोड और आज देगलूर नाका, ये इतने जगह पे कार्रवाई हुई है। कल भी हमने छत्रपति चौक पूर्णा नगर में 1 गुना दाखिल किया है, कल कम से कम 2,10,000 का हमने फाइन किया है, और परसों भी हमने कम से कम 2.25 लाख का फाइन किया है, और परसों 105 केस किए थे, कल 103 केस किए हैं, और कल गुना भी दाखिल किए भाग्यनगर पुलिस स्टेशन में। यस जी, जैसा कि सर अभी कुछ दिन पहले जो है एसपी ऑफिस पे एक जो है पोस्ट आई थी, जो स्कूल प्लेस पे या फिर तो सामाजिक प्लेस पे जो है सिगरेट पीने वालों पे जो है तो कार्रवाई की जाएंगी, उसके बारे में आप बताइए थोड़ा। जो भी स्कूल है, कॉलेज है, ट्यूशन है, जहाँ शैक्षणिक संस्था है, उसके 100 मीटर के दायरे में ये चीज़ें कोई भी बेच नहीं सकता, ऐसा लीगल बैन है उसके ऊपर, और उसी के कारण एसपी साहब ने ये आदेश दिए हैं कि स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, इनको इजीली ये चीज़ें दिखनी नहीं चाहिए, मिलनी नहीं चाहिए, इसके वजह से सामाजिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, जो नए लड़के हैं, जो बच्चे हैं, ये देख के उसमें से बिगड़ते हैं, इसीलिए ये शैक्षणिक संस्था के एरिया में भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई चालू है। ओके, ठीक है, थैंक यू। कार्रवाई तो करेंगे ना, चल जाने वाले हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए वर्ख ताज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।